अरे अब क्या अंतर हुआ, हम ही अपना चेहरा देखकर नहीं पहचान सके कि हम छोरा है कि चोरी। बोले महाराज पहचान तो आपको कोई नहीं सकेगा, श्रृंगार हमने ऐसा किया है, पर अब आपकी बोली को क्या करें, मैं चल सकता हूं जा सकता हूं, ये ऐसा बोलेगे तो पकड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे ऐसा बोलिए कि अब तो मैं चल सकती हूं। अब महादेव जी तो शर्म के मारे बोले हमसे नहीं बोला जाएगा। यस। देह का भान आपको लज्जा लज्जित करता है, परमात्मा से बात करने में परमात्मा से मिलने में आपको लाज लगती है, तो वैकुंठनाथ भगवान आप चिता भस्म धारण करने वालों से बात करने में उनको लाज लगेगी तब। हाँ देवी बाकी लाज तो नहीं लगती है, मैं भूला जाऊंगा। बोले भूला जाऊंगा नहीं, भूला जाऊंगी। श्री महादेव जी ने कहा देवी अब हम क्या करें, मेरा प्राण व्याकुल हो रहा है। एक उपाय है, महादेव जी के श्री अंग पर पसीना आ गया था घबराहट में कि इतना होने पर भी मुझे मेरे प्रभु के रास में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा तो घबरा जाते। पार्वती जी ने देखा इनका प्राण छूट जाएगा, इतने व्याकुल हो गए हैं। एक उपाय तो है, क्या है देवी? बोले आप गूंगी सखी बन जाओ, कुछ बोलो ही, बोलोगे तो घबरा जाएगा। जब कोई आपसे पूछे तो कहना हमारी तरफ इशारा कर देना, जब कोई पूछे हे सखी तो कौन कहां पे आई है, तेरा नाम कहा है, तो कहना बाकी की बात मैं बना लूंगी। बोले हाओ महादेव जी। बोले आप चलो। बोले हाँ चलो। चलना शुरू किए, आपका रास में प्रवेश नहीं हो सकता। अरे अब क्या भैया, अरे छोरा से छोरी बन गए, बोलता से गूंगा बन गए, अब क्या बीमारी भाई? बोले आपकी चाल जो ही लेफ्ट राइट सिपाही के समान, ऐसे क्या जी ऐसे चला जाता है? अरे तो फिर कैसे चला जाता है? बाया पांव अपने आगे रखो, फिर दाहिना पांव ठीक उसके साथ, अलग अलग पांव रखकर पुरुष चलता है, एक पांव के आगे दूसरा पांव रख करके सर्वलक्षण संपन्ना नारी चलती है। फूहर नारी तो कूदती चलती है, वो तो दूसरी बात है, चुड़ैलों की चर्चा नहीं है, चर्चा है विशुद्ध नारियों की। तो अब जो चलती है ना, तो एक पांव के आगे दूसरा पांव जब रखा जाता है तो पीछे से नितंब प्रदेश में थोड़ी गति होती है, उसके कारण श्रीअंग पूरा हिलता है, तो पीछे वेणी थोड़ी थोड़ी गति लेती है, ऐसा लगता है कि लता चढ़े नागिन हिले, पीछे से ऐसी गोपी का दर्शन कर ले तो श्याम के हृदय में हुक उठता है और उसकी चाल का गुलाम बन जाता है कन्हैया। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरे गिरधारी, बड़े बड़े देव जाके चरणों में लोटे, तेरी राह तकत बनवारी गुलाम तेरे गिरधारी। सेवा कुंज में दर्शन करो, ठकुरानी शयन कर रही हैं और लाला थोड़ा निकुंजों में दुबक करके चरण दबाए रहे हैं, निकुंजों को और गिरा लिया, कोई देखे नहीं। बाकी रसखान ने देख लिया और कहा ब्रह्म में शोध्यो पुराणन, पुराणों में वेदों में शास्त्रों में ब्रह्म को खोजा, वेदांत में खोजा, संतों के पास खोजा, खोजते खोजते सारी दुनिया में खोजा, कहीं मिला नहीं, खोजते खोजते वृंदावन में आया तो एक निकुंज के नीचे छिपा हुआ मैंने देखा है ब्रह्म को, बैठो पलोटत राधिका पायन, श्री जी के चरणों को दबा रहा था, ऐसा विशुद्ध ब्रह्म हमने अपनी आंखों देखा है। धन धन राधिका के चरण, श्री जी के चरण कैसे सौभाग्यशाली हैं, श्याम जा की शरण, परमात्मा ने कैसा गौरव दिया है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर से मिलना हो तो चाल सीखो महाराज, व्याख्यान चाहे जितना बढ़िया दो, चाल चलन खराब हो तो फिर रास में प्रवेश नहीं। ऊपर से आप अपने को महात्मा कह लो, चाहे सखा कह लो, चाहे सखी कह लो, और मंच पर चाहे सिद्ध कर दो कि हम सखिए हैं। ऐसी कैसी सखी जी? बोले दाढ़ी वाली सखी है। ऐसी भी सखी होती है? बोले प्रवचन में तो होती है, अब आत्मा में तो अब कैसी होती है, कन्हैया गले लगा लोगे तो समझ में आवे कि ये सखी है, और नहीं तो बातें तो ठीक है, बातें तो संसार में बातों का धंधा ही है।
तो विशुद्ध भाव जब श्याम अपनावे तब सखी। तो अब महाराज चाल चलन ठीक होने चाहिए, आपकी चाल गड़बड़ है। चाल गड़बड़ है? बोले हाँ जी। पहले लोग चाल का बड़ा ध्यान रखते थे। एक भगत जी जा रहे थे स्टेशन, क्या है? बोले हमको अमुक गाड़ी पकड़ना है। बोले जल्दी चलिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। बोले छूट जाएगी तो छूट जाएगी, उस गाड़ी के लिए हम अपनी चाल बिगाड़ेंगे? किसी भी कारण से अपनी चाल चलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपनी चाल चलन ठीक रहे तो ठाकुर आता है। श्री मुरारी बापू एक जगह कथा कह रहे थे श्री अयोध्या जी में, तो उनकी कथा सुनने के लिए एक दिन गए थे। महात्मा है, अलग अलग संतों का संग किया है, ग्रंथों का अध्ययन किया है, और ऐसा जब कोई भगवत चरित्र में रम जाता है तो उसके हृदय में भगवान नए नए भाव प्रकट करते। तो प्रथम बार जब वो आए तो गुजराती में कथा कहते थे। श्री डोंगरे जी महाराज पहले पहले अयोध्या पधारे तो वो भी गुजराती में कथा कहे। लोगों ने कहा महाराज यहाँ के लोग समझेंगे नहीं, हिंदी में कथा कहो। हूँ कथा अपने लाला ने सुनाऊ छू, मारो लाला सब भाषा समझे छे। अर्थात हम अपने लालजी को कथा सुनाते हैं, लोग समझे ना समझे, लोग को तो हम सुनाते ही नहीं, और हमारा लाला सब भाषा समझता है। नहीं माने, दोबारा जब आए तो लोगों ने कहा फिर गुजराती में कथा कहेंगे तो यहाँ के संतों को कम आनंद आएगा। तो एक वृद्ध संत को आगे किया, आप जाके कहिए। संत ने प्रणाम किया तो श्री डोंगरे जी महाराज ने चरणों में मत्था धर दिया। बड़े नम्र संत थे, प्रणाम किया। महाराज श्री राघव ने कहा है हमारी भाषा में कथा कहो। कन्हैया की भाषा में कथा जब आप कहते हैं तो मैं ब्रज में सुनता हूं, आप अयोध्या में आए हैं अवधी भाषा में कथा कहो। राम जी ने कहा है? हाँ राम जी ने कहा। और सब संत भी यही चाहते हैं तो ठीक है, भक्त और भगवंत जैसे कहें वैसे ही होगा, फिर हिंदी में कथा भी। बात मुरारी बापू की, गुजराती में कथा कहते थे। उन्होंने कहा एक दिन वन में बैठे हुए श्री राम जी से श्री सीता जी ने पूछा, चरणों पर दृष्टि हो रही थी, श्री जी राम जी के चरणों को प्रक्षालन करके पूछ कर बैठी थी, और लक्ष्मण जी ने श्री सीताराम जी के चरणों में बैठकर प्रणाम किया। तो सीता जी ने कहा राम जी से कि आर्य को गुजराती भाषा में बोलते हैं, आचरण ठीक छे कि आचरण ठीक छे, माने ये चरण ठीक है कि ये चरण ठीक है, आप वाले ठीक हैं कि मेरे ठीक हैं। ठाकुर जी बालक हैं, बाल सुलभ क्रीड़ा करते रहते हैं। कन्हैया भी कभी कभी कहता तेरे मुख नीको की मेरे राधा प्यारी, आप सुंदर हैं कि हम सुंदर हैं। किशोर जी का महाराज सुंदर तो आप हैं और मैं गोरी तुम श्याम बिहारी। मिथिलावासी कहते हैं दुल्हा तो बहुत बढ़िया है पर कसर अगर तो इतनी है, दुल्हा थोड़ा सा काला है। और तो सब ठीक है, बढ़िया दुल्हा है, बल्कि थोड़ा काला है, हमारी किशोरी जी गोरी है। ये मधुर लीलाएं हैं। तो श्री ठाकुर जी से श्री जी ने कहा आचरण ठीक छे कि आचरण ठीक छे। राम जी ने कहा लक्ष्मण से पूछो वो बताएगा। लक्ष्मण जी से किशोर जी ने कहा लाल जी आचरण ठीक लागे छे कि आचरण ठीक लागे छे। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों को दिखाकर किशोर जी के चरणों को दिखाकर कहा आचरण ती आचरण ठीक लागे। राम जी ने समझा लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन चरणों, श्री सीता जी ने समझा प्रसन्न हो गई कि लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी के चरणों से ये चरण ठीक लगते हैं, आचरण थी आचरण ठीक लागे। और राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी क्या समझे? राम जी ने समझा कि लक्ष्मण जी कहते हैं
इन चरणों के संबंध से ये चरण ठीक लगते हैं, आचरण थी आचरण ठीक लगे। राम जी की पत्नी है इसलिए सीता जी हमारी कुछ हैं, इसलिए इनके नाते ये ठीक लगते। मेरे चरणों को श्रेष्ठ बताया है, आचरण थी मैंने इन चरणों के संबंध से ये चरण ठीक लगता है। लखनलाल जी मुस्कुराए, राम जी ने कहा हमने तो ऐसा समझा, किशोर जी ने ऐसा समझा, तुम क्या समझ कर बोले थे? महाराज मैंने ही कहा था कि आचरण थी आचरण ठीक लागे, जिसका आचरण ठीक होता है उसी को ये चरण ठीक लगते हैं, नहीं तो नहीं लगते किसी को। लक्ष्मण जी गुरु है ना, आचार्य हैं, रामानुज हैं, तो तीनों बात एक ही है, बाकी वो जितने आदमी उतना अर्थ। ऐसे ही शास्त्र वेद वेदांत भागवत एक ही है, अपना अपना अर्थ लगाते हैं। चार पांच मित्र लोग बैठे थे, ऊपर एक चिड़िया बोली चिड़ुक 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 चिड़ुक, ऐसी आवाज आई उसमें से। तो लोगों ने कहा भैया ये चिड़िया क्या बोलती है? तो एक मियाँ जी रहे, उन्होंने कहा चिड़िया कहती है रहीम तेरी कुदरत, रहीम तेरी कुदरत, रहीम तेरी कुदरत। दूसरा बड़ा जा रहे मुसल्ला, रहीम तेरी कुदरत। अरे ये कहती है, वो बनिया बोलने वाला था, उसने कहा ये कहती है हल्दी धनिया अदरक, हल्दी धनिया अदरक, हल्दी धनिया अदरक। एक पहलवान बैठा था, उसने कहा अरे जा रहे बनिया, जाओ तुमको हल्दी धनिया सुधरता है। अरे ये बोल रही है दंड मुदगर कसरत, दंड मुदगर कसरत। एक वैष्णव थे, झगड़ा काहे को करते हो भैया, हमको तो समझ में आया ये बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशा एक समझब बिलगाना। ये संस खान माया है, अब जीव भगवान की ओर बढ़े तो सर्वे गुणा तत्र समासते, सारे गुण आते हैं, और माया की तरफ बढ़े तो सारे दोष आते हैं। माया की तरफ बढ़ो तो झूठ बोलना आ जाएगा, छिपाना आ जाएगा, नाटक करना आ जाएगा, न जाने कितनी कितनी कलाएं आ जाएंगी, वो माया की कला है, आ जाएगी उसकी तरफ बढ़ोगे तो। और ठाकुर जी की तरफ बढ़ोगे तो आपके पास कुछ भी ना हो, एको अक्षर नहीं पढ़े हो, तो भी सारे गुण आत्मे आवेंगे। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी अनुग्रह करते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते, सब गुण उसमें आ जाते हैं। हरा व भक्तस्य कुतो महद गुणा, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं उसमें महान गुण आ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान में प्रेम, गुण दोष तो संसार देखता है। श्री महादेव जी बोले देवी अब क्या कमी रह गई है? बोले अब आपकी चाल चलन बिगड़ी है, आपकी चाल ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे चलो। तो जब एक चरण के आगे दूसरा चरण रखते हैं तो उसके श्रीअंग की गति होती है, तब उस चाल को हंस गामिनी कहते हैं। हंस जैसे चलता है वैसे उसकी चाल होती है, बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। अथवा मतवाला गज जैसे झूमता चलता है वैसे उस देवी की चाल लगती है, गजगामिनी हंसगामिनी, ऐसा उसका स्वरूप होता है। और आप तो ये अश्वगामी हो गए, खटखट खटखट चल रहे हैं, घोड़े की नहीं, ये ऐसे रास में प्रवेश करेंगे, अब मैं क्या करूंगा? और सब तो बन गया बन गया, अब चाल चलन तो एक दिन में सुधरे नहीं, चाल चलन सुधारने के लिए तो बिगाड़ने के लिए तो एक सेकंड लगता है, बाकी सुधारने के लिए पूरा जन्म लगता है। तो अब चाल चलन कैसे सुधरे? बोले आपका नहीं सुधरा हो तो जिसका सुधरा हो उसके पीछे चलो। मैं आगे आगे चलती हूं, आप मेरे पीछे पीछे मेरी नकल करते चलो। हाँ ये ठीक है। आगे आगे श्री पार्वती जी, पीछे पीछे श्री महादेव जी, मार घेरदार घाघरा दोनों पहने हैं, हर गोटे चमक रही है, हर सुंदर चुनरी नक सिख आभूषणों से विभूषित है, और दो दो उंगलियों में अपने नेत्रों से आगे का रास्ता देखते झूमते झामते चटकते मटकते चल रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, अपनी ही चाल पर मुग्ध हो रहे हैं, ये हमारी चाल कैसी हो गई। ऐसे करते रास मंडल में जब प्रवेश किया
तो श्री ललिता विशाखा ने रुक दिया, सखी कहां पे आई है? श्री पार्वती जी ने कहा मैं कैलाश से आई हूं। ललिता जी ने मुस्कुरा कर कहा, पीछे वाली सखी के कंधे पर हाथ रखा उसने और घूंघट तान लिया, पकड़ लिया कि कहीं मुंह खोल के देख लेगी तो घबरा जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा जेऊ कैलाश से आई है, सखी तेरो नाम कहा है? पार्वती जी ने ऐसे किया तो माधव जी समझ गए कि बोलना नहीं है, नहीं तो कहीं बोलने ही वाले थे कि मेरा नाम शंकर है, सब गड़बड़ हो जाता। पार्वती जी ने खखार दिया तो वो समझ गए, तो उन्होंने कहा ललिता जी मुस्कुराई हैं, पार्वती जी ने मन में कहा है नजर न लग जाए मेरे प्रीतम को, कैसा बढ़िया बोलते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा है ये मेरी सखी है, गूंजी है, बोलवो ना आवे, पधारो। भीतर गए, श्री श्याम सुंदर ने पार्वती जी को देखा है, हंसते थिरकते मटकते धीरे धीरे समीप आए, वो बांका मुकुट बाई ओर झुका हुआ। आज हमारे श्री बांके बिहारी जी भी अपना श्री मुकुट बाएं झुकाते हैं, और दिन तो दाहिने झुकाए रहे भले, बाकी आज श्री राधा जी जिधर हैं प्रीतम का मुकुट उधर ही झुकेगा, इसलिए आज मुकुट का दर्शन लोग कहते हैं। तो श्री ठाकुर जी